और राइटिंग तो और गंदी हो गई माशाल्लाह से। छुट्टियां होती है राइटिंग सुधारने के लिए। डिफरेंट थोड़ा मसाला है ना, वो बिल्कुल नॉर्मल सालन जैसा बन जाएगा। नूडल्स के लिए पास्ता, नहीं पास्ता नहीं, क्या बोलते हैं इसको, मैक्रोनी, मैक्रोनी हाँ, पास्ता मैक्रोनी। छोटा सा कप दिया है, फुल भी नहीं भरा इसने कप। तो खैर एंजॉय करें, टेंशन ना लें। तो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर डे। तो मॉर्निंग हो गई है, हमारा नाश्ता भी हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह सब हो गया। अभी हम बैठ कर ड्रामा देख रहे थे। कौन सा वाला ड्रामा देख रहे थे हम? फहद मुस्तफा वाला, कभी मैं कभी तुम, फहद मुस्तफा वाला ड्रामा है ना वो। कल मंडे था ना, कल मंडे को आया हुआ, आज उसकी एक और एपिसोड आएगी। वो आता है मंडे और ट्यूजडे, दो दिन आता है। तो बहुत अच्छा लगता है, वकार को भी बहुत अच्छा लगता है। तो हम दोनों के दोनों ही जो ना वो ड्रामा देख रहे थे। तो पूरे हफ्ते फिर वेट होता है कि यार अल्लाह नेक्स्ट एपिसोड उसकी कब आएगी। तो यार बड़ा ही मजेदार ड्रामा है, एक ये मुझे अच्छा लगता है और एक नूर जहां, दो ड्रामे बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब इतना सबर नहीं होता है कि मैं एक साथ सारी एपिसोड जमा करूं। बस आज मंडे को आया, बस दिल चाहता है फौरन से देख लूं। अब आज रात को आएगा, कल सुबह देख लूंगी मैं। तो लेट्स स्टार्ट अ न्यू डे विद न्यू आवाज। जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो पसंद आए तो शेयर करो। थैंक यू सो मच जाएगा। हां ये एवरी टाइम टाइम सी। अभी अफाम साहब को आ रही है शाही की याद, और अफाम देख रहे हैं आईपैड में शाही, शाही की वीडियो जो शाही ने बनाई थी मीरपुर खास में। तो उसके भी ऐसे निशान पड़ जाते हैं। हु पिंचिंग यू हियर अफाम सी? कौन? मेरी भी ऐसे निशान पड़ते हैं। जरा सा कोई ऐसे करके स्किन को ऐसा छोड़ देता है ना, ये देखो मेरा भी सेम ऐसे निशान पड़ जाते हैं। फिर वो निशान रेड होता है, ग्रीन होता है, ब्लैक होता है। सेम अफाम की स्किन भी मेरी जैसी है इस मामले में, है ना अफाम? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। क्या फोन वोन सब ले लिया ना? ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह चीजें खिलाते आपको। चला घुमा से, चला घुमा से, चला घुमा से। ये जो मैंने चिकन में डाला है हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पिसा हुआ सारा है मैंने उसके ऊपर, जाफरान। और अभी मैंने क्या क्या डाला है वो भी मैं आपको बताती हूँ। और अब हमने इसमें डाला दूध, और दूध के बाद डाला हमने इसमें तली हुई प्याज। तो जो इसमें मैंने डाला है सबसे एंड में दही, इसमें सबसे एंड में मैंने दही डाला है। सारे इन्ग्रीडियंट्स मैंने आपको बता दी कि क्या क्या इसमें मैंने डाला है। इसको अब मैं आधे से एक घंटा जो है ना इसी तरह से रखूंगी, और उसके बाद मैं इसको बनाऊंगी। पहले मैंने देखिए में ऑयल डाला, ऑयल डालने के बाद जो है ना मैंने इसमें सारा मसाला ऐड कर दिया जो मैंने मसाला भिगाया था। एक घंटा मैंने उस मसाला को मैरिनेट करने के लिए रखा था, छोड़ा था। उसके बाद जो अब जो मैं इसको अच्छे से भूनूंगी, भूनने के बाद जो है ना इस चिकन को और इस मसाले को मैं थोड़ी सी देर के लिए दम पे रखूंगी ताकि अच्छे से जो है ना हमारी चिकन गल जाए। फिर उसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे, फिर हमारी डिश हो जाएगी जी रेडी। और अभी अच्छे से भून रहा है, और फिर ये देखना कैसा मजेदार बनता है लगान मोर की आपकी सोच है। जिसने भी खाया ना मेरे हाथ का लगान मोर, वाह 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 वाह, बड़ी थोड़ी थोड़ी सी यूनिक, थोड़ी सी डिफरेंट, थोड़ी मजेदार डिश बन गई है। तो इसमें चाहे तो आप चिकन के बड़े बड़े पीसेस भी ले सकते हैं, वो ज्यादा अच्छे लगेंगे। अगर आपके बच्चे आलू खाते हैं शौक से तो आप इसमें आलू डाल सकते हैं, बट इसके ऊपर कुछ भी गार्निशिंग नहीं होगी। इसके ऊपर हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं डलेगी। एज इट इज तंदूर की रोटियों के साथ, मोटी वाली रोटियों के साथ खाया जाएगा। इसके ऊपर आप गार्निशिंग कर देंगे ना, डिफरेंट थोड़ा मसाला है ना, वो बिल्कुल नॉर्मल सालन जैसा बन जाएगा। आप इसके ऊपर गार्निशिंग नहीं करेंगे, ग्रीन मिर्च बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। इट इज जो मैंने मसाले बताए हैं वही मसाले लेके इसको मैरिनेट करेंगे, और इसको इसी तरह से भून कर दम पे रख के पका देंगे। सकते हैं शीरमाल के साथ भी खा सकते हैं, तो भी अच्छा लगे। और जो चुपके से देखते हैं फार्म क्या कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग बेटा, व्हाट आर यू डूइंग? फिनिश किया अपना वर्क के फिनिश नहीं किया फार्म? हाँ हमने फार्म साहब को वर्क दिया था कि बेटा अपना वर्क फिनिश कर लें। सी देखा, ये वाली एक लाइन रह गई पूरी, और ये वाली भी रह गई। फार्म व्हाट इज दिस यार, और राइटिंग तो और गंदी हो गई माशाल्लाह से। छुट्टियां होती है राइटिंग सुधारने के लिए, और अफाम की राइटिंग तो और गंदी हो गई। कम ऑन फिनिश दिस लाइंस। ओके कम, ये मैंने कर लिया जी मैक्रोनी गरम। तो आज मैं लाई हूँ अपने नूडल्स, कल वाले जो नूडल्स थे वो मैंने गरम किया। नूडल्स के लिए पास्ता,
नहीं पास्ता नहीं, क्या बोलते हैं यार इसको, मैक्रोनी, मैक्रोनी हाँ, पास्ता मैक्रोनी नूडल्स, क्या मैं तो नूडल्स ही बोलती हूँ यार, बस इसमें वेजिटेबल्स ये वो चीज़ें और मायोनीज और केचप और सोया सॉस चिली सॉस सब कुछ डाल के गड़बड़ घोटाला करके मैं ले आती हूँ, खा लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस जो भी आप अपनी ज़बान में उसको जो भी चाहो बोल दो, तो मैं वो ले आई हूँ गर्म करके, मैं ये खाती हूँ, खाना मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बन गया। ये खाने के बाद थोड़ी सी जब मेरी अंदर पावर आएगी तो फिर मैं जाऊंगी रोटी बनाने के लिए, तो फिर मैं रोटी बनाऊंगी और फिर बच्चों को खाना दूंगी जल्दी। तो ये हमने अफाम साहब को दे दिया जी खाना, अफाम को सिर्फ चिकन का पीस चाहिए तो छोटा सा और सालाना रोटी चाहिए था। यम्मी अफाम, इट्स गुड। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, शुक्र है आज अफाम सालन खा रहे हैं, वरना अफाम नॉर्मली सालन नहीं खाते, आज अफाम को शौक है सालन खाने का। चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे काम शाम हो गए, किचन की भी सफाई हो गई, खाना भी खा लिया, खानों के बर्तन भी धो दिए, और मेरा जो खाना है ना आज जो सालन है ना मेरा, आई नो कि इतना मजेदार बना था क्योंकि अफाम ने ना उसको माशाल्लाह अच्छे से खाया, पेट भर के खाया, तो इसका मतलब है कि अफाम को आज वाला जो मेरा लगान मुर्ख का सालन था ना वो बहुत ज्यादा पसंद आया, अलीजा को भी अच्छा लगा। फिर मैंने घर में रोटी बनाई थी इसलिए नॉर्मली बाहर की रोटियां खा रहे थे, बट घर की रोटी आज मैंने बनाई तो दोनों को बहुत पसंद आई। एक रोटी खाती हूँ एक किलो वजन बढ़ता है मेरा, एक प्लेट चावल खाती हूँ एक किलो वजन बढ़ता है मेरा, मतलब हद हो गई है कोई। इतनी खामोशी चल रही है घर में, देखती हूँ अफाम साहब कर गया, इतनी खामोशी से अफाम कर क्या सकता है। या अल्लाह वाकई में सो गया है सच्ची मुच्ची में, देखो जरा रिमोट हाथ में लेके और टीवी खोल के नवाब साहब सो गए, यह हाल है इस बच्चे का। रिमोट रखो यहाँ पे, सो गया, चलो गुड हो गया। इस टाइम टाइम बज गया जी 12, पौने 12 बजे समझिए अफाम साहब सोए, पौने 12 बजे अफाम के सोने का मतलब है कि अफाम आप जब अगर आएंगे तो अफाम साहब फिर से उठ जाएंगे। बुरी अलमारी यार, मजा नहीं आ रहा, देखो पता है एक साइड खोलो ना अलमारी के, देखो नहीं देखो एक साइड मैंने खोला बंद किया ना एक साइड, तो दूसरी साइड खुल गई, अब जब दूसरी साइड बंद करूंगी ना मैं अलमारी की तो ये वाली साइड खुल जाएगी, ये देखो ये बड़ा मुश्किल है, ये मैंने बंद किया, ये देखो ये थोड़ी सी खुल गई, तो इसको एक एक को ना इतनी मुश्किलों से इसको ना बड़ा वो करना पड़ता है। खैर है सामान सारा आ गया, ये अच्छा बेनिफिट है, बाकी कुछ हो जाए ना हो। मैं जाती हूँ अभी टिकटॉक पे अपना लाइव, वकार अभी तक आई नहीं है, 12 बज गए हैं, वकार ने वैसे देर से गए थे तो बोला तो था कि मैं आज थोड़ा लेट आऊंगा, पर इतना ज्यादा लेट आऊंगा ये मुझे अंदाजा नहीं था। आज मैंने एक्सरसाइज भी की, एक्सरसाइज करके मैं इतना थक गई हूँ ना, बहुत ज्यादा थक गई हूँ आज मैं एक्सरसाइज करके, तो इसलिए मैं जाती हूँ अभी लाइव टिकटॉक पे और फिर उसके बाद देखती हूँ मैं कब फ्री होती हूँ, वकार आएंगे तो खुद ही खाना खा लेंगे या घर में फ्री हुई तो मैं खाना दे दूंगी। चाय नहीं पी, मैं वेट कर रही थी वकार का, मैंने कहा वकार आएंगे तो चाय लेकर आएंगे तो मैं अपने लिए भी मंगवा लूंगी, इसलिए मैंने आज घर की चाय पी नहीं। यार देखा कितनी लंबी उम्र है, मैंने याद किया कॉल अभी। हेलो, अगर बाहर की रोटी खाएंगे आप तो दो रोटियां ले आए, वरना तो मैंने घर की रोटियां बनाई हैं, तीन रखी हुई हैं, मैंने लगान मुर्ग बनाया है। हाँ A few moments later. बताएं आज इसी दिन के लिए मैंने दो फोन रखे थे, हमारी चाय आ गई, चाय शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पानी ये हुई ना बात, हाय कोल्ड वाटर आया है मुझे भी देगा थोड़ा सा चाय। यार ये आधी चाय देने लग गया आजकल है ना, चाय में भी इसने डंडियां मार दी कसम से, देखिए जरा आज इस कितना छोटा सा कप दिया है, फुल भी नहीं भरा इसने कप, ये तो आठ आने की चाय दे रहा है अभी, इसको बोले 2 रुपए ले लो भले, बट चाय तो फुल तो भाई। वकार आ गए हैं, वकार ने खाना भी खा लिया और शुक्र है अभी तक अफाम उठे नहीं है, अफाम सो रहे हैं, तो अल्लाह करे तो खामोशी से उठे और जाके वकार के साथ सो जाए तो ठीक है, अगर वाह वैसे अफाम उठ गया ना तो फिर तो अफाम तो बोलेगा सुबह हो गई मॉर्निंग हो गई है, अब तो नाश्ता दे दें स्कूल चले टीवी खोलते हैं, घर के अंदर ना दिन लेकर आ जाएगा खुद ही खुद, तो इसलिए सोता रहे तो ज़्यादा बेटर है। मैं जा रही हूँ लाइव, आप लोग रखो ना बहुत सारा ख्याल, मिलेंगे टुमारो एक और नए दिन के साथ, जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, तो टाटा बाय बाय शब्बा हर दुनिया वालों, चिक 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 चिका।